हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी की रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी रांची, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गुवाहाटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आरआरबी सिकंदराबाद में लेवल 6 का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट आ चुका है। इसमें दोस्तों उन्होंने कट ऑफ को डाउन करके सेकंड पार्ट पैनल भी जारी कर दिया है। आरआरबी रांची में भी दोस्तों लेवल 6 के रिगार्डिंग उन्होंने कट ऑफ को डाउन किया है और पार्ट पैनल सेकंड जारी किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आरआरबी चेन्नई की बात अगर हम करें दोस्तों, आरआरबी चेन्नई के रिगार्डिंग दोस्तों उन्होंने अपना पार्ट पैनल सेकंड तो जारी किया ही है लेवल 6 के लिए, और उन्होंने फाइनल एम पैनल भी जारी किया लेवल 6 के कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरआरबी चेन्नई में मोस्ट इंपोर्टेंट खबर ये आया है कि दोस्तों आरआरबी चेन्नई के रिगार्डिंग क्या लेवल 5 का रिजल्ट पब्लिश किया जा चुका है। आरआरबी चेन्नई में लेवल 5 का रिजल्ट पब्लिश किया जा चुका है, उसके तहत दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी उन्होंने दे दी है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है आरआरबी चेन्नई की। आरआरबी गुवाहाटी में भी दोस्तों क्या किया गया है, आरआरबी गुवाहाटी में भी कट ऑफ को कम करके लेवल 6 के लिए पार्ट पैनल सेकंड जारी किया है। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाली गई पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। बढ़ते दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, जानते हैं एक एक करके क्या क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने खोल रखा है आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें दोस्तों बता रखा है शेड्यूल ऑफ 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 5। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीवी डेट है आपकी 28/11/2022 और इसमें 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। 29/11/30/11/1/12/1/12/5/12/5/12/6/12 दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डीवी आपका है वो होगा 12 दिसंबर तक, ठीक है ना। स्टार्टिंग है दोस्तों इसके डीवी की डेट की, आप देख सकते हैं 28/11 से लेकर के दोस्तों ये आपका जो आखिरी है 12 तारीख को 12 दिसंबर तक ये चलेंगे, ठीक है। तो जिस जिसके इसमें नाम है दोस्तों, आप सभी को बधाई, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने खोल रखा है आरआरबी बोर्ड रांची का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट लेवल 6। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 के लिए दोस्तों कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए टोटल 1 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, और कैटेगरी नंबर 2 जिसमें स्टेशन मास्टर के लिए 9 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 24/11 को होगा रांची में, ठीक है ना। इसमें दोस्तों एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों हर जोन में होगा, क्योंकि सभी के सभी बच्चे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन को पास नहीं करते हैं, या फिर बहुत से कैंडिडेट एबसेंट होते हैं, ताकि इसीलिए वेटिंग लिस्ट रखी जाती है रेलवे में, ताकि कि बचे हुए बच्चे को जो भी रहती है वैकेंसी उसमें कैंडिडेट्स को एमपैनल किया जा सके, ठीक है ना। बाकी हम देखते हैं दोस्तों, इसमें फाइनल एमपैनल भी इसका जारी किया जा चुका है रांची का, आरआरबी रांची का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने आरआरबी गुवाहाटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है। इसमें दोस्तों क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड राउंड शेड्यूल फॉर लेवल 6 सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/2019। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें दिखा रखा है शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोस्तों देख सकते हैं रोल नंबर दे रखा है, डीवी डेट दे रखी है, और आपकी रिपोर्टिंग टाइम दे रखी है, ठीक है। टोटल 7 कैंडिडेट्स को आरआरबी गुवाहाटी ने अपना बुलाया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका फाइनल पार्ट पैनल भी जारी किया जा चुका है। ये सभी के सभी नोटिफिकेशन दोस्तों मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं कब आपका डेवी शेड्यूल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है आरआरबी सिकंदराबाद का। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनल रिजल्ट पार्ट 2 फॉर स्टेशन मास्टर लेवल 6 इन कंटिन्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स पार्ट 1 डिक्लेयर्ड अर्लियर फॉर 499 कैंडिडेट्स। द फॉलोइंग 237 कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो बीन प्रोविजनली एम्पेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, देयर रोल नंबर्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल असेंडिंग ऑर्डर। मतलब दोस्तों, पार्ट टू पैनल जारी किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। फाइनल पार्ट पैनल जारी किया जा चुका है आरआरबी सिकंदराबाद का। देखिए दोस्तों, आरआरबी सिकंदराबाद के लिए एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए अभी रुकिए जरा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, मैंने खोल रखा है आरआरबी सिकंदराबाद का एक और नोटिफिकेशन, जो कि आज ही की डेट में जारी किया गया। आप देख सकते हैं डेट है इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर वाज हेल्ड फ्रॉम 10th to 14th October 2022, विच वॉज फॉलोड बाय देयर मेडिकल एग्जामिनेशन एट डिफरेंट रेलवे हॉस्पिटल्स। अकॉर्डिंग टू देयर मेडिकल रिपोर्ट्स रिसीव्ड ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वर नॉट फाउंड फिट इन द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी बाय द वेरियस मेडिकल कमेटी कंसर्न, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे नाम दे रखे हैं शशांक राणा, अनफिट इन I2A2, फिट इन IC1 कैटेगरी, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, A1 कैटेगरी में फेल हो चुके हैं, तो इसमें इन रोल नंबर दे रखे हैं इन कैंडिडेट्स के। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आप अपने रीमेडिकल चाहते हैं तो उन्होंने बताया है, अगर आप अपना रीमेडिकल करवाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अपील फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एड्रेस टू द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद लेटेस्ट बाय 11th December एट द फॉलोइंग एड्रेस स्पीड पोस्ट डिलीवर्ड बाय द हैंड।
ठीक है, या तो आप स्पीड पोस्ट से जा सकते हैं या फिर भेज सकते हैं, या फिर अपना बाय हैंड आप वहाँ पे दे के आ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 1000 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा RRB सिकंदराबाद के लिए, ठीक है। और उसमें दोस्तों क्या है, 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और इसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा, और एक डॉक्टर से जिसके लिए भी आपको जिसमें भी अनफिट करार दिया गया है उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उसी के लिए आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसी बीमारी के लिए या फिर आपको A2, A3, C3 जो भी दिया गया जिसमें अनफिट पाया गया है, तो आप उसके अगेंस्ट किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के या किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप करा सकते हैं, और उससे रिपोर्ट लेकर के उस रिपोर्ट को लेके आपको मेडिकल कमेटी मतलब कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पे एड्रेस कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर बाय हैंड भी आप उसको जाके दे के आ सकते हैं। क्योंकि आप उससे अगर जब आप बाय हैंड दे के आएंगे तो आप सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका वहाँ पे पहुँच चुका है, और फिर आपको कुछ दिन बाद उसके रिमेडिकल की डेट आपको ईमेल के थ्रू या फिर बाय कॉल के द्वारा आपको बताई जाएगी कि आपका रिमेडिकल कब होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आप आज के फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।